तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है, इसमें इससे ब्रह्मा सर कह रहे हैं कि ये ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन ए हॉरिजेंटल रूलर। तो एक एम मास का ब्लॉक है जो कि रूलर पे रखा हुआ है, हॉरिजेंटल रूलर पे। इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रूलर एंड ब्लॉक इज म्यू है, ठीक है ना, मास ब्लॉक का एम है और फ्रिक्शन कोफिशियंट म्यू है, और वो डिस्टेंस एल डिस्टेंस पर, मतलब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ से, ये वाली जो डिस्टेंस है ब्लॉक की, दिस डिस्टेंस इज एल, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक डज नॉट स्लिप, मतलब इस रूलर को कितना ओमेगा मैक्सिमम से घुमा दिया जाए जिससे ब्लॉक स्लिप नहीं करे यार, ठीक है ना। पहला पार्ट है ओमेगा मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो चलो सिंपल सवाल है और इसको हम लोग कर लेते हैं, और ऐसा आपको आना चाहिए ये सब करने, ठीक है ना। तो ओमेगा मैक्सिमम देखो, जैसे ये ब्लॉक ऐसे इस टाइप के सर्कल में घूमेगा, ठीक है, जैसे ये रूलर हो रहा है तो इस टाइप के सर्कल में घूमेगा, तो इस टाइप के अगर सर्कल में घूमेगा तो इस पे ग्राउंड से अगर देखोगे, तो ग्राउंड से देखोगे तो ये बोलोगे कि भाई जो ब्लॉक है उस सर्कल में जा रहा है, तो सर्कल में जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए बोलो, सेंट्रिपिटल, ये ऑब्जर्वर है तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सर्कल के सेंटर की तरफ कोई नेट रियल फोर्स आएगा, तो वो तो फ्रिक्शन ही हो गया, और यही फ्रिक्शन क्या देगा, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है जिसका नाम है हमारे पास फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो चलो यहाँ सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा जो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, ओपेक्स पे। जब ओमेगा मैक्सिमम होगा तो उस वक्त जो फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो लिमिटिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले ओमेगा अगर कम है, ठीक है, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा मैक्सिमम, तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक लगेगा और ब्लॉक आराम से रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। और अगर ओमेगा ग्रेटर देन है ओमेगा मैक्सिमम से, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, ठीक है, ब्लॉक इधर की डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, मोशन हो जाएगा अगर ओमेगा ग्रेटर देन है ओमेगा मैक्सिमम से। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो ये सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस कुछ एल हो जाएगा, ये लेंथ एल है और फ्रिक्शन ही, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन ही यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू है एम मास ओमेगा वन का स्क्वायर और ओमेगा वन, मतलब ओमेगा मैक्सिमम इसमें और रेडियस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली चीज़, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू एन, नॉर्मल तो ऊपर लगेगा और एम जी तो नीचे लगेगी, तो कुल मिला के तीन फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा और फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगेगा, और यह आ जाएगा एम ओमेगा वन का स्क्वायर और एल। तो म्यू नॉर्मल की वैल्यू एम जी आ जाएगी, दैट इज एम ओमेगा वन का स्क्वायर और एल। तो मास ने मास को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर पहले केस में जो मैक्सिमम ओमेगा बन रहा है, या ओमेगा वन फर्स्ट केस के लिए मैं बोल देता हूँ, वो दैट इज म्यू जी अंडर रूट एल। ओमेगा इससे कम रहेगा तो अच्छी बात है, इस पे रहेगा तो लिमिटिंग लग रहा है, फिर भी ब्लॉक लेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, इससे ज़्यादा स्लाइडिंग हो जाएगी और ब्लॉक विल स्लाइड और फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा। चलो पार्ट दूसरा, दूसरा पार्ट में ये कहते हैं कि दूसरा अगर पार्ट हम लोग सॉल्व करें, तो इफ द स्पीड ऑफ द रूलर इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। अभी देखो ओमेगा कांस्टेंट था, तो ओमेगा कांस्टेंट था तो अल्फा, फर्स्ट केस में ओमेगा कांस्टेंट था तो अल्फा कितना था, जीरो था, क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था, ठीक है ना। लेकिन अगर ओमेगा वेरिएबल है तो एंगुलर एक्सलेशन अल्फा आ जाएगा, और अगर एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है, व्हाट एंगुलर स्पीड अब कितनी होगी। देखो जब एंगुलर स्पीड अल्फा आ जाएगा, तो दूसरे वाले केस में अगर केस टू यहाँ हम लोग सॉल्व करें पार्ट टू इसका, तो अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो एक्सलेशन आ जाएगा, एक आ जाएगा टेंजेंशियल और एक आ जाएगा, भाई साहब, एक आ जाएगा टेंजेंशियल और एक आ जाएगा सेंट्रिपिटल, दो एक्सलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ग्राउंड से ही सॉल्व कर रहा हूँ,
ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा तो सेंट्रीपिटल तो भाई ये इधर आएगा फ्रिक्शन F1 जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और अगर तुम देखोगे अच्छे से तो इस वाले पे हाँ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल इधर की डायरेक्शन में ठीक है, एक टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा AT, और ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सलेशन A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है तो ये आ जाएगा एल अल्फा। तो इधर जो फोर्स आएगा F2 उसकी वैल्यू होगी मास और मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंशियल एक्सलेशन, तो मास मल्टीप्लाइड बाई एल अल्फा। तो ये और ये जो F1 आ जाएगा वो आ जाएगा एम ओमेगा 2 का स्क्वायर ओवर एल। तो ये दो फोर्स, ये भी फ्रिक्शन ही है ठीक है ना, ये फ्रिक्शन ही लगेगा और ये एक्सेलरेट कर रहा है तो आगे की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स वो कुछ इधर आएगा ठीक है ना, इसी प्लेन में आएगा, ये समझ रहे ना प्लेन, ये इसी प्लेन में आएगा। तो आपको पता नहीं चल रहा, तो ये इसी प्लेन में फोर्स आएंगे, तो फोर्सेस जो है इस प्लेन से बाहर नहीं जाएंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन है वो ऐसा कुछ ग्राउंड ऐसे आएगा और ये इधर आएगा F1 और ये F2, तो इनका रिजल्टेंट इधर ही कहीं आएगा नेट फोर्स। तो नेट फ्रिक्शन अभी इधर आएगा, तो नेट जो फ्रिक्शन है वो कहता है कि नेट फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है प्यारे बच्चों, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन ठीक है ना, म्यू एन, और यहाँ पर म्यू एन की वैल्यू एम जी के इक्वल होगा। भाई नॉर्मल तो ऊपर लगेगा इधर और एम जी नीचे लगेगी, नॉर्मल इधर गया एम जी इधर जाएगी। तो यहाँ से F1 की वैल्यू अगर डालोगे तो एम ओमेगा 2 का ओमेगा 2 का स्क्वायर एल का होल स्क्वायर और प्लस ये एम एल अल्फा का स्क्वायर और ये सब कुछ अंडर रूट। तो अब मैं इसको सॉल्व करके ओमेगा 2 निकाल लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मास कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 का पावर 4 और एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओमेगा 2 मुझे दिखेगा तो ओमेगा 2 की पावर 4 और एल स्क्वायर जो दिखेगा वो आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओमेगा ओमेगा 2 की पावर 4 जो दिखेगा वो आ जाएगा म्यू म्यू जी एल का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो फाइनली जो ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दूसरे केस में ओमेगा 2 वो आ जाएगा म्यू जी एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर और इन सब पे पावर जाया जाएगा 1/4 ठीक है। तो ये दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इतना मैक्सिमम ओमेगा से घूम रहा होगा अपना रूलर ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, मोटिवेटेड रहो प्यारे बच्चों, और सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखो और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करो।